क्या आपको याद है कि जब आप 6 साल की उम्र के थे तो आप क्या करते थे? एनीवेज, जब वॉरेन बफेट सिर्फ 6 साल के थे तो वो अपने दादा की दुकान से च्युइंगम लेते और उसे घर घर जाकर कुछ प्रॉफिट में बेच देते थे। इससे उन्हें हर च्युइंगम के पैकेट पर 2 सेंट्स का प्रॉफिट हो रहा था। उसके बाद उन्होंने थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट कमाना शुरू किया जब वो एक साथ 20 सेंट की कोक अपने दादा की शॉप से लेते और हर एक कोक को 5 सेंट में बेच देते, यानी टोटल 5 × 5 = 25 सेंट्स में, जिससे उन्हें 5 सेंट्स का प्रॉफिट होने लगा। बफेट ने यंग एज में ही डिसाइड कर लिया था कि अगर 35 की उम्र तक वो $1 million नहीं कमा पाए तो वो ओमाहा की सबसे ऊंची बिल्डिंग से छलांग मार देंगे। बचपन से ही वॉरेन बड़े क्यूरियस थे। वो अलग अलग तरह की कैलकुलेशंस करते थे, जैसे कि वो अपने दोस्त को लेके रोड में जितनी भी गाड़ियां जा रही थी उनकी लाइसेंस प्लेट नंबर्स लिखते रहते, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर उनके घर के आसपास चोरी हुई तो पुलिस को वो इन नंबर प्लेट्स को दे देंगे और चोर पकड़ा जाएगा। वो बॉटल कैप्स भी इकट्ठी करते रहते थे ये देखने के लिए कि लोग सबसे ज्यादा कौन से ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और उन्हें पता चल गया था कि मैक्सिमम लोग कोका कोला ही प्रेफर करते हैं। एक बार वॉरेन बफेट ने ये जानने की कोशिश की कि जो भगवान के भजन गाते हैं क्या वो सिंगर ज्यादा जीते हैं उन सिंगर से जो नॉर्मल सॉन्ग्स गाते हैं। काफी कैलकुलेशंस के बाद वॉरेन को पता चला कि ये दोनों ग्रुप ऑलमोस्ट इक्वल ही जीते हैं और भगवान के भजन से कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं मिल रही। बफेट ने पहली बार अपनी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में तब करी जब वो सिर्फ 11 साल के थे। इस वक्त वॉरेन के पास $120 इकट्ठे हो चुके थे कोक और च्युइंगम्स बेचकर। वॉरेन ने काफी एनालिसिस करने के बाद सिटीज सर्विस नाम की कंपनी के 3 शेयर्स खरीदे $114.75 में, यानी 6 साल से 11 साल तक उन्होंने जितने भी पैसे कमाए थे वो ऑलमोस्ट इसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बड़ी बहन डॉरिस को भी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस कर लिया। जैसे ही वॉरेन ने सिटी सर्विस के शेयर्स खरीदे उसी के कुछ दिन के बाद इसके शेयर्स की वैल्यू कम हो गई, और उनकी बहन स्कूल जाते वक्त उन्हें हमेशा टॉन्ट मारती रहती थी कि तूने ही मेरे पैसे डुबोए हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद सिटी सर्विस का शेयर प्राइस बढ़ गया और वॉरेन ने पैसे जल्दी निकाल लिए और खुद के लिए और अपनी बहन के लिए $5 का प्रॉफिट बुक किया। लेकिन कुछ और दिनों के बाद इसी कंपनी का हर एक शेयर $202 का पहुंच गया और वॉरेन ने अपना सबसे पहला लेसन सीखा कि बहुत जल्दी शेयर प्राइस इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद वॉरेन बफेट ने न्यूज़पेपर भी सेल करना स्टार्ट किया। उन्हें लगा कोक और च्युइंगम से ज्यादा तो इसमें फायदा है। 14 साल की उम्र में वॉरेन के पास $1,000 इकट्ठा हो चुके थे। वॉरेन नंबर्स में तो अच्छे हो गए थे लेकिन गर्ल से बात करने में वो शर्माते थे, जिसके लिए उन्हें लगा कि उन्हें अपनी फिजिक पर भी काम करना चाहिए। उन्होंने इसके लिए एक डंबल सेट भी खरीदा, लेकिन वॉरेन का कहना था कि कितने भी मैं डंबल से कर्ल मार लूं मेरी आर्म्स का साइज बढ़ता ही नहीं। वॉरेन बुक रीडिंग में बहुत विश्वास करते थे, इसलिए ओमाहा की बेंसन लाइब्रेरी में वो अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते थे और फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स पढ़ते रहते। और एक बार उन्हें एक बुक मिली जो उनके $1 million के सपने को पूरा कर सकती थी, और उस बुक का नाम था 1000 Ways to Make $1000। वॉरेन की सबसे बड़ी लर्निंग इसमें ये थी कि मनी कंपाउंड कैसे करती है। वॉरेन को जो आइडिया पसंद आया था वो ये था कि अगर वो वेइंग मशीन आज ले लेते हैं और उससे हुए प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हैं, और अगर एक मशीन के बाद उन्हें अगली मशीन खरीदने के लिए 100 दिन लगेंगे तो अगली मशीन के लिए उन्हें सिर्फ 50 दिन लगेंगे, और अगली मशीन के लिए 33 डेज, और उसके बाद 25 एंड सो ऑन। उन्होंने वेइंग मशीन तो नहीं ली, लेकिन अपने दोस्त डैनली के साथ सेकंड हैंड पिंग बॉल मशीन ले ली और उसे बार्बर की शॉप में लगा दिया और बार्बर को कहा कि वो उनके साथ प्रॉफिट्स शेयर करेंगे। काफी जल्दी वॉरेन और डैनली के पास काफी मशीन हो गई और स्कूल में लोगों ने कूल समझने लगे। काफी टाइम के बाद वॉरेन ने इस बिजनेस को $1200 में बेच दिया। इसके बाद वॉरेन ने $1200 का 40 एकड़ का एक फार्म लैंड नेब्रास्का में लिया। उन्होंने एक फार्मर से डील कर ली थी कि अगर वो इस फार्म लैंड में काम करता है तो वो उसके साथ प्रॉफिट शेयर करेंगे। वॉरेन को बहुत खुशी हुई कि उन्हें कोई फिजिकल काम नहीं करना पड़ता था, क्योंकि उन्हें वैसे भी फिजिकल काम करना पसंद नहीं था। 5 साल बाद उन्होंने इस फार्म को डबल प्राइस में बेच दिया और इन 5 सालों में उन्होंने प्रॉफिट भी बहुत कमाया। कॉलेज में वॉरेन को ज्यादा मजा नहीं आ रहा था सब्जेक्ट्स पढ़ने में। जब वॉरेन अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में पहुंचे तब उन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी जो उनकी फेवरेट क्लास थी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अकाउंटिंग ही बिजनेस की लैंग्वेज है, इसलिए जिसे भी बिजनेस समझना है इसलिए उसे अकाउंटिंग समझनी ही पड़ेगी। 19 साल की उम्र में वॉरेन के पास $9,000 इकट्ठे हो चुके और उनके पास अपने दोस्तों के कंपैरेटिवली काफी पैसे थे, लेकिन अपने गोल $1 million तक पहुंचने में अभी उन्हें बहुत टाइम लगना था। लेकिन फिर बेंजामिन ग्राहम ने 1949 में अपना मास्टरपीस अपनी बुक लॉन्च की जिसका नाम था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर।
वॉरेन को बेंजामिन के आइडियाज बहुत पसंद आए। उसके बाद वॉरेन ने डिटेल में इंडिविजुअल कंपनीज को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि मूडी, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स मैनुअल। वॉरेन ने सोचा कि अब वो अपनी पढ़ाई स्टैनफोर्ड से करेंगे, लेकिन स्टैनफोर्ड ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये वॉरेन के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि वॉरेन को पता चला कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के ऑथर बेंजामिन ग्राहम तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और वहीं पर उन्होंने एडमिशन ले ली। बेंजामिन ग्राहम सिर्फ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में टीचर नहीं थे, बल्कि उनकी खुद की एक फर्म थी, न्यूमैन ग्राहम कॉर्प। ग्राहम अपनी क्लासेज में रियल कंपनीज के एग्जाम्पल लेके पढ़ाते थे, जिसमें वो अपने इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी शेयर कर देते थे, और स्टूडेंट्स उन शेयर्स को खरीदने के लिए भाग पड़ते। बेंजामिन के पार्टनर जेरोम न्यूमैन को ये बात पसंद नहीं आती थी, इसके लिए वो बेंजामिन को मना करते थे। लेकिन बेंजामिन का कहना था कि कोई बात नहीं, हम वैसे भी बहुत पैसे कमा रहे हैं। वॉरेन बफेट पहले स्टूडेंट थे जिन्होंने बेंजामिन की क्लास में A+ लिया था, क्योंकि बेंजामिन ने किसी भी स्टूडेंट को A+ आज तक नहीं दिया था। बेंजामिन एक कंपनी के चेयरमैन भी थे, जिसका नाम था गवर्नमेंट एम्प्लॉई इंश्योरेंस कंपनी, और ये कंपनी थी जो बाद में गाइको बनी, जो कि एक इंश्योरेंस बिजनेस था जिसमें वॉरेन ने काफी इन्वेस्ट किया और उन्हें प्रॉफिट भी बहुत हुआ। वॉरेन ने इसमें इन्वेस्ट करने से पहले इसके बिजनेस को समझना चाहा, और वो उसके ऑफिस ही पहुंच गए। वहां पर वो कंपनी के प्रेसिडेंट के असिस्टेंट से मिले, जिसका नाम था लॉरिमर डेविडसन। बफेट उनसे सवाल पर सवाल पूछते रहे, और कन्विंस होने के बाद वॉरेन ने अपने जितने भी पैसे थे उसमें से 65% पैसे इसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। एक साल के बाद गायको का शेयर प्राइस 1.5 टाइम्स हो गया, और वॉरेन ने अपने सारे पैसे निकाल लिए। वॉरेन को दुख हुआ कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट स्किल से लड़कियों को इम्प्रेस नहीं कर पाते थे, लेकिन 1950 में वॉरेन की छोटी बहन ने वॉरेन के लिए एक लड़की के साथ डेट फिक्स करवा दी, जिसका नाम था सुजी थॉमसन। बट एक्चुअली सुजी ऑलरेडी मिल्टन ब्राउन नाम के एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन लकीली सुजी के डैड बिल को ये मिल्टन नाम का लड़का पसंद नहीं था, और वॉरेन सुजी के फादर से बार बार जाकर मिलते और एक इम्प्रेशन क्रिएट कर दिया, और फाइनली वॉरेन ने सुजी से 1952 में मैरिज कर ली। अपने हनीमून में भी वॉरेन कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स लेके गए थे। 1958 में वॉरेन ने एक घर खरीदा $38,000 का, जिसे वो अपनी सबसे बड़ी बेवकूफी बताते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि $38,000 अगर वो कंपनीज में इन्वेस्ट करते तो उन्हें रिटर्न बहुत ज्यादा आता। बिलियनेयर बनने के बावजूद वॉरेन बफेट आज भी उसी घर में रहते हैं। वॉरेन बेंजामिन के साथ उनकी कंपनी में काम करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि बेंजामिन ज्यू थे तो बेंजामिन सिर्फ ज्यूज को ही जॉब देते थे। 3 साल के बाद फाइनली बेंजामिन ने वॉरेन को नौकरी पर रख लिया, और वॉरेन बेंजामिन के फर्स्ट एम्प्लॉई बने जो ज्यू नहीं थे। वॉरेन जॉब से इतने खुश हो गए थे कि ज्वाइनिंग की डेट से 1 महीने पहले ही वो न्यूयॉर्क पहुंच गए, जहां बेंजामिन का ऑफिस था। इस जॉब के लिए वॉरेन को $1,000 पर मंथ मिल रहे थे, और बहुत जल्दी बेंजामिन समझ गए थे कि वॉरेन एक अच्छे इन्वेस्टर हैं। 1956 में बेंजामिन चाहते थे कि वो रिटायरमेंट ले लें, इसलिए उन्होंने वॉरेन से कहा कि वो अब इस ऑफिस को संभाल सकते हैं, लेकिन वॉरेन ने मना कर दिया। और 26 साल की उम्र में वॉरेन ने भी रिटायरमेंट ले ली, और सोचा कि अब वो घर से ही काम करेंगे। इसके बाद वॉरेन ने कंपनी खोली, जिसका नाम था बफेट एसोसिएट्स लिमिटेड, जिसमें वॉरेन बफेट के 7 फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स ने मिलकर $105,000 इन्वेस्ट किए थे, और वॉरेन ने सिर्फ $100। डील ये थी कि वॉरेन पैसे इन्वेस्ट करेंगे, कोई उनसे नहीं पूछेगा कि वो किन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर किसी को पैसे निकालने या डालने हैं तो वो सिर्फ दिसंबर के महीने में अलाउ किया जाएगा, और प्रॉफिट्स या लॉसेस को स्प्लिट किया जाएगा। कई लोगों को लगा कि वॉरेन कोई फ्रॉड कर रहे हैं, पर ऑब्वियसली आज हमें पता है कि ऐसा कुछ नहीं था। वॉरेन की फीस देने के बावजूद सबको 1957 से 1961 तक इंडेक्स से भी 10.2% ज्यादा का रिटर्न मिला। वॉरेन पैसे मैनेज करने में बहुत फेमस हो गए थे, और 1961 तक उन्होंने टोटल 10 ऐसी पार्टनरशिप फर्म्स खोल दी थी, और 1962 में वॉरेन बफेट ने इन सब पार्टनरशिप फर्म को कंबाइन करके एक ही बना दिया, और उसका नाम दिया बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड। और 32 साल की उम्र में वॉरेन 1 मिलियन इन पार्टनरशिप से कमा चुके थे, और उन्होंने खुद से किया हुआ वादा पूरा किया कि वो 35 की उम्र से पहले मिलियनेयर बनना चाहते हैं। वॉरेन अभी तक सिगार बट स्ट्रैटेजी यूज करते थे, जिसे इस एग्जांपल से समझा जा सकता है। जैसे कि अगर कोई सिगरेट फेंक देता है आधी पी के, तो उसमें से 1 या 2 पफ और लिए जा सकते हैं। यानी कुछ ऐसी कंपनीज ढूंढो जो ऑलमोस्ट डूब रही हूँ, लोग उसको लेके बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक हो जाएं, और उसके शेयर प्राइस इतने डिक्रीज हो जाएं कि वो सस्ते में मिलने लगे, और उससे प्रॉफिट कमा लिया जाए। अब ये स्कीम जब कम पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं तो चल पड़ती है, लेकिन वॉरेन का पोर्टफोलियो जैसे जैसे बढ़ने लगा, उनके लिए ज्यादा पैसे स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट करना मुश्किल हो गया, क्योंकि छोटी कंपनीज जो इस रूल को फॉलो करे वो मिलती ही नहीं थी। लेकिन फिर उन्हें एक डिनर पार्टी में मिले चार्ली मंगर। चार्ली और वॉरेन के इंटरेस्ट सेम थे, तो वो जल्दी कनेक्ट कर गए।
चार्ली मंगर ने वॉरेन बफेट की स्ट्रेटजी को चैलेंज किया और कहा कि डूबती हुई कंपनी के शेयर्स बहुत ही सस्ते में खरीदने से बेटर ये है कि हम अच्छी ग्रोइंग कंपनीज के शेयर्स उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़े कम प्राइस पे खरीदें। और ऑब्वियसली अब हम जानते हैं कि वॉरेन और चार्ली की आज तक यही स्ट्रेटजी, इसी स्ट्रेटजी से वॉरेन की नेट वर्थ एज ऑफ दिसंबर 2020 $85.6 बिलियन बन चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप भी वॉरेन बफेट की तरह 1000 वेज टू मेक $1000 पढ़ना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन में ये बुक समरी सुन सकते हैं प्रीमियम मेंबरशिप लेके, या फिर आप 130 से ज्यादा बुक समरीज फ्री में हिंदी और इंग्लिश में सुन सकते हैं। तो अगर आपको यकीन है कि इन्वेस्टमेंट इन योर माइंड इज मोर इम्पोर्टेंट देन इन्वेस्टमेंट ऑन